आके खड़े हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपम, अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट करो बच्चा। ऐसा लग रहा है आज फंसना है, फंस माइक और वो दोनों अनम्यूट करना है। कमेंट्स में जवाब नहीं देना, चैट पे नहीं जवाब देना। अनुपम माइक और वो दोनों अनम्यूट करो फटाफट से। यस अनम्यूट करना बच्चा। चलिए हाँ मैम, 1 मिनट 1 मिनट मैम, कर रहे हैं। हाँ जी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बैलेंस स्कोरबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस स्कोरबोर्ड? पहले ये डेवलप किसने करा है? ऑप्शन नंबर ए कैल्पन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्टन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। हाय अनुपम, पहली बार देखा मैंने आपको आज। कैसे हो? यस ठीक हो? मैम, तो बताएं। अनम्यूट, सभी अपना म्यूट क्यों कर दिया? लक्ष्मी जल्दी से बताओ, बैलेंस स्कोरबोर्ड किसने दिया फटाफट से? कैल्पन नॉर्टन दोनों ने, नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर दे दे फटाफट से। फर्स्ट वन हाँ फर्स्ट वन क्या है हमारा? ये। दोनों ने दिया है, इट इज कैल्पन एंड नॉर्टन। प्लीज राइट इट डाउन, के ए या पी एल ए एन, कैपलन एंड एन ओ आर टी ओ एन, नॉर्टन। कैपलन एंड नॉर्टन, इन्होंने चार पर्सपेक्टिव दिए हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। प्लीज राइट इट डाउन। पहला है फाइनेंशियल, यस मैम, प्लीज। फाइनेंशियल। सेकेंड वन इज कस्टमर, थर्ड वन इज इंटरनल प्रोसेस, फोर्थ वन इज लर्निंग एंड ग्रोथ। फोर्थ वन इज लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। एम आई क्लियर? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी कंपनी है, उसमें हमने प्रॉफिट हमें चाहिए। कस्टमर परस्पेक्टिव, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। इंटरनल प्रोसेस मतलब कि मतलब एक बेंचमार्क सेट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि हमें कितने कॉम्पिटिटर्स को हम कवर कर रहे हैं, किन किनको बीट करना है। सो बेसिकली इंटरनल प्रोसेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव में हम ये देखेंगे कि कस्टमर को जो सर्विस देनी है उसका बेंचमार्क क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बैलेंस स्कोर कार्ड में हम इंटरनल प्रोसेस में स्कोर कार्ड वगैरह देखते हैं। अनुपम और लक्ष्मी अपने अनम्यूट करो। लर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? हाँ लर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि हमने क्या करना है कि हमने आगे प्रोफेशनल पर्सन्स को लेना है, उनको सिखाना भी है ना। मतलब हमने और जो सीख नहीं रहे हैं उनको बाहर निकालना है, जो अच्छे से सीख रहे हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यस सबको? मैम, लक्ष्मी आपने म्यूट कर दिया बच्चा, तो बैलेंस स्कोर कार्ड हमने डन कर दिया। ओके क्लियर हो गया है? नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग? एनीवन हु कैन टेल मी कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मैपिंग टॉक अबाउट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मतलब की चीजें हैं। आपका क्या होता है ना कि हमारे में की क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कम्पिटेंट आपके इम्प्लॉयज कितने कम्पिटेंट है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जेम्स काम करते हैं, जो इम्प्लॉयज काम करते हैं, उनका क्या हमने उनका जॉब इवेल्युएशन करा है? क्या उनको ट्रेनिंग दी है अच्छे से? क्या उनको रिक्रूटमेंट के टाइम हमने अच्छे से देखा है? तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ये होता है स्टेज वन। तो स्टेज वन में हम क्या करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। फिर आता है स्टेज टू। स्टेज टू में कॉम्पिटेंसी मैपिंग में हम क्या करते हैं, जो गैप्स रह गए हैं, जो हमने प्लान किया था और एक्चुअल में जो लोग हम मतलब स्ट्रैटेजी को हमने बताया, स्ट्रैटेजी से हम कितने पीछे हैं, उस गैप को मैप करते हैं, उस गैप को बताते हैं कि हम कहाँ थे और हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है। और लास्ट में हम क्या बात करते हैं, लास्ट में हम क्या बात करते हैं, स्टेज थ्री में ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि हमें गैप का पता लग जाता है, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो गैप्स को दूर किया जा सके। तो पहला क्या है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताते हैं, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव बताते हैं। स्टेज टू में मैप यस डिफाइन करते हैं, मैप मतलब कहाँ पर हम हैं और कहाँ पर हमें जाना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, वेयर वी गो वॉन्ट टू गो।
ठीक है जी। जी हाँ, वेयर वी वॉन्ट यस टू मैम। गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ट्रेनिंग हम बेसिकली ट्रेनिंग करते हैं, देते ट्रेनिंग हैं। करते हैं। एक ओके, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको, यस लेट मैम। मी नो। ठीक है, चलिए। तो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कॉम्पिटेटिव मैंने कर लिया आपको। अब मुझे बताओ स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम, इसका मतलब क्या है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम। बताओ मतलब प्लानिंग वगैरह क्या स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है आकांक्षा, स्ट्रैटेजिक का, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक, प्लानिंग करना जो क्या करते प्लानिंग हैं करते? अपन, किस मतलब जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ किसी भी चीज को करने के लिए जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उन्हें कैसे बना रहे हैं। ओके, तो किसी का भी अजर्शन रीजिंग में मतलब आ सकता है ना, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। नेक्स्ट मुझे आप बताओ कल्चरल शॉक क्या होता है, व्हाट इज कल्चरल शॉक, कल्चरल शॉक क्या होता कल्चरल शॉक, है? यस yes. कल्चरल, कल्चर से रिलेटेड ये होता है। आपको नो मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? मैम। नहीं दिख रहा। ओके सो ओके, तो कल्चरल शॉक क्या होता है बच्चों? इथिक्स कल्चरल शॉक का मतलब होता है जब हम जो सोच रहे होते हैं उससे कुछ अनफेमिलियर हमें मिल जाता है, जो हमारे कल्चर से डिफरेंट होता है। तो आपको शॉक लगेगा ना, यार ये तो मैंने अपनी अपने घर में कभी देखा ही नहीं था, अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में ये भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जीन टॉप डालती थी, जब मेरे खालसा कॉलेज में मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ तो कहते कल से सलवार कमीज डालनी पड़ेगी, तो मुझे थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगा था, यार अब ये डालना पड़ेगा, मैं तो जीन्स टॉप डालती हूँ या नॉर्मल भी सूट होता चलता, सलवार वॉज नॉट माई टाइप। तो वट वॉज दैट, कि जब आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग मिलता है। तो कल्चरल शॉक के बेसिकली चार स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं बच्चों, कितने चार स्टेजेस स्टेजेस होते होते हैं, हैं, कितने स्टेजेस होते हैं? फोर स्टेजेस, फोर फोर स्टेजेस। स्टेजेस। कौन कौन से फोर स्टेजेस होते हैं लिखो, कौन कौन से फोर स्टेजेस होते हैं लिखो। फर्स्ट मैम स्टेज अभी इज किसका पॉइंट हनीमून, है? पहली स्टेज होता है हनीमून। हनीमून, हनीमून क्या मतलब क्या हुआ बताते हैं, ठीक है जी। सेकंड स्टेज है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि नया नया हमें सब अच्छा लगता है, देन फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होता है। फिर थर्ड स्टेज इज एडजस्टमेंट, फिर आप एडजस्टमेंट करते हो, यार अब रहना तो यहीं पर पड़ेगा, शादी करते हो, हनीमून स्टेज क्या होता है, आप घूमने फिरने जाते हो, घूमने जाते हो, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, होने लगता है ना, यार ये क्या है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था। फिर एडजस्टमेंट, आप कहते हो चलो यार अब रहना तो इधर ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट। फिर जब आप एडजस्टमेंट करते हो ना, मतलब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बस यार करना तो पड़ेगा, ये स्टेज। फिर बाद में आप एक्सेप्टेंस, आप कह लेते कोई बात नहीं यही ठीक है मेरे लिए, आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। समझ लगा? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज यस क्लियर। कल्चरल शॉक के चार स्टेजेस कौन से हो गए बताओ मैम। मुझे। सो हनीमून, हाँ, पहले फ्रस्ट्रेशन, हमें सब एडजस्ट, एक्साइटिंग लगता एडजस्टमेंट। है, कल्चरल हनीमून फेज में हमें क्या लगता है, सब कुछ एक्साइटिंग, लिखो, हनीमून फेज में सब कुछ क्या लगता है, एक्साइटिंग एक्साइट लगता है। फिर नेक्स्ट फ्रस्ट्रेशन फेज को हम एक तरीके का रिजेक्शन फेज भी बोलते हैं। क्यों? हम हर चीज को रिजेक्ट करने लगते हैं, हमें मतलब क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग प्लान नहीं चल रहा, हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रहे, हम एक तरीके का वी कैन से दैट मतलब अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, है ना। फिर उसके बाद आप रिकवरी, आप धीरे धीरे रिकवर करते हो, है ना। सॉरी, थर्ड स्टेज में आप रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, और फोर्थ में रिकवरी, रिकवरी वाले में हमने क्या करा था, जब हम एक्चुअल में एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मतलब पेपर में वर्ड जो वो चार भी आ सकते हैं और ये चार भी आ सकते हैं। पहले मैंने आपको कौन से चार वर्ड्स बोले, हनीमून, फ्रस्ट्रेशन, एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस, अब चार वर्ड कौन से बोले हैं, हनीमून का हनीमून ही रहेगा, बाकी रिजेक्शन, रिग्रेशन, रिग्रेशन, रिकवरी। रिकवरी। रिकवरी मतलब आप अब रिग्रेशन फेज से थोड़ा आप लोगों को एक्सेप्ट,
करने वाले हो, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्टेज में, फिफ्थ स्टेज लिखो इसके अंदर, फिफ्थ स्टेज कौन सी आती है? रिवर्स हो गया कल्चरल शॉक, कौन सी? रिवर्स कल्चरल शॉक, रिवर्स कल्चर शॉक, ठीक है जी। मैम सुन किया था पहले का, म्यूट हो गया था। ओके सॉरी, म्यूट हो गया था। पहले क्या था? हनीमून, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिग्रेशन, फोर्थ रिकवरी, और फिफ्थ वन रिवर्स कल्चर। व्हाट इज रिवर्स कल्चर? रिवर्स कल्चर मतलब अब आप नए जगह पर इतना ढल गए हो कि तुम्हें पुराना नहीं समझ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जैसे अनअकैडमी को छोड़कर अब मैंने जूम क्लासेस लेट सपोज लेनी शुरू कर दी। अब अगर मैं जूम से दोबारा अनअकैडमी जाऊंगी तो हो सकता है ना कोई ऐसे नए फीचर्स आ जाए, कुछ हो जाए, मुझे वो समझना लगे अब दोबारा से, चाहे 5 साल काम किया है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स कल्चर, मतलब अब आप नए में ढल चुके हैं, आप पुराने में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं नए घर आ गई हूँ, अपने ससुराल आ गई हूँ, तो जब मैं मायके जाती हूँ मैं कहती हूँ मम्मी आपकी जो स्लैप है किचन की वो तो बड़ी नीचे है, हमारी तो बड़ी ऊपर होती है, मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा। मतलब हम नए इन्वायरमेंट में इतना ढल जाते हैं। क्लियर हुआ सबको? लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। कल्चरल शॉक सबको क्लियर हुआ? यस मैम, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अगर पेपर में आ यस जाए? मैम, अब नो मैम, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस और विसल ब्लोइंग। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, जस्टिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस हाँ कोई और, मतलब जैसे कुछ जस्टिस दिलाना कहीं पे, जैसे कुछ मतलब अपराध नहीं हो तो, मतलब सही पॉजिटिविटी में जो जस्टिस दिलाते जस्टिस हैं। मतलब कि हमें फियर रहना है। जस्टिस का मतलब क्या होगा इन इन कंटेक्स्ट में? फियर रहना है। तीन तरीके के इसके अंदर मल्टी डायमेंशन है, इसके अंदर तीन ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस में फेयर रहने को तीन तरीके से माना जाता है, मतलब तीन बेसिक टाइप है। एक फर्स्ट टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्लीज राइट इट डाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ओके, यस मैम, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देन इज यस मैम, प्रोसीजरल जस्टिस, थर्ड वन इज इंटरैक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब है? मतलब मैम सेकंड क्या बोली थी? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल एंड इंटरैक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो जो जिसमें एक्सपर्ट हो उसको उस हिसाब से जो अपन एक जस्टिस दिलाते हैं। नहीं, 1 8 पूरे 100 पेजेस नहीं ना पढ़े, 100 पेजेस पढ़ने थे, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि हमें कितना किस पेमेंट, पॉइंट से है? मतलब मैंने अपना टॉपिक तो कवर किया था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 165th पेज पर देखना ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में, ठीक है? 165th पेज, ओके, चेक करना पीडीएफ ओके में। मैम, सो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का मतलब क्या होता है? हाउ मच वी गेट इन कंपेयर टू हाउ मच वी शुड पेड। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता था कि आपको 50,000 मिलेंगे बट आपको एक्चुअल में 40,000 मिले, तो 50,000 के कंपेरेटिव में तुम्हें 40,000 मिले, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, कि तुम्हें क्या लगता था उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कितना मिला। समझ गए? कितना तुम्हें लगता था मुझे मिलेगा उसके कंपेरेटिव में होता ना, हमें कम ज्यादा मिल जाता है, तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है जी। और प्रोसीजरल, यस मैम, जो प्रोसीज प्रोसीजर फिक्स कर रखी है 1 by 1, जो स्टेप वाइज जो प्रोसेस कर रखी है वो वही प्रोसीजरल चलेगी। प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब है, हाँ, हमने जो प्रोसेस सोची थी कि जिसको जिसने इतनी बार ये करा उसको हम इतने बार रिवॉर्ड देंगे, होता ना कि जिसने समझो जिसने 90+ स्कोर करा उसको हम ये देंगे, उसी तरीके से जिसने इतने सेल्स करी उसको उतनी कमीशन मिलेगी। मतलब डिपेंड अपॉन प्रोसीजर, आपने रूल्स फॉलो किए आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ओके। एंड इंटरएक्टिव में जो दो जने मिलके जो इंटरएक्टिव, मतलब किसी भी टॉपिक पे जो कुछ चलता है। इंटरेक्टिव जस्टिस मतलब जब मैं अपने जब फॉर एग्जांपल मैं अपने अपने मैंने बोला कि मैंने अपने बॉस को बोला कि यार मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है? सो उस टाइम पर मेरे सुपरवाइजर ने बोला बिल्कुल तुम्हें मिलनी चाहिए एंड तुमने अच्छा पॉइंट रेज किया, मतलब तुमने इंटरैक्ट करके अपनी सैलरी के बारे में बात करी, ठीक है जी, ठीक है जी। यस मैम, सो इसमें हमने इंटरैक्ट करके, इंटरेक्टिव जस्टिस का मतलब क्या होता है बेसिकली, आप जब किसी से इंटरैक्ट कर रहे थे तो क्या आपको सामने वाले ने क्या डिग्निटी से रिप्लाई करा, जस्टिस रिस्पेक्ट से बात करी। सो
तो जब लोगों को अनजस्ट मैनर से ट्रीट किया जाता है ना, रिटेलिएट किया, एग्जाम्पल आपका सुपरवाइजर आपको बैड माउथ बोले, गलत शब्दों का इस्तेमाल। म्यूट हो गया, एक सेकेंड, आरी आवाज अप, लेट मी नो इज इट कमिंग। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपका आपको मतलब आपके जो बॉस है वो रिस्पेक्ट से बात ना करे, डिग्निटी से बात ना करे, बैड माउथ करे, है ना, क्योंकि क्योंकि बेसिकली क्या है, वो भी इंटरेक्शन का पार्ट है। मतलब हम आप आपको सामने वाले ने नेगेटिवली बात करी या पॉजिटिवली बात करी, दैट इज इंटरेक्टिव जस्टिस। गिव मी अ हेलो, एम आई यस मैम, विजिबल? म्यूट हो गया था, यस एक सेकेंड। ये तो पूरी स्क्रीन मेरी वो हो रही है, एक सेकेंड, जूम जूम जूम।